दुर्गमासुर भेरू की भांति अपने युद्ध से पलायन कर रहे हो तुम। भेरू, 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 क्या तुम्हें ज्ञात भी है कि मैं कौन हूँ? मैं महायोद्धा रूरु पुत्र दुर्गमासुर हूँ। मैं दुर्गमासुर। तुम्हारा परिचय ज्ञात है हमें, और ये भी ज्ञात है कि तुम यहाँ अपने पिता के वध का प्रतिशोध लेने आए हो, किंतु ये सब व्यर्थ है दुर्गमासुर, क्योंकि बुरे का अंत तो बुरा ही होता है। इसे हमारी चेतावनी समझो और अपनी शेष सेना सहित लौट जाओ यहाँ से। चेतावनी दे रहे हो मुझे? मुझे? यदि मैं तुम्हारी चेतावनी पर ध्यान न दूं तो? गणेश, शब्दों की इस क्रीड़ा में कोई रुचि नहीं है मुझे। वहां काशी में ऋषि जैक्षु अति गंभीर अवस्था में, हमारा काशी लौटना अति आवश्यक है। इसीलिए अभी अपने एक ही बार से इसका वध कर इस युद्ध का भी अंत कर दूंगा मैं। मेरा घातक प्रहार भी इस पर अप्रभावी कैसे? क्या हुआ? तुम तो एक ही वार में मेरा अंत करने वाले थे। आओ आगे बढ़ो, अंत करो मेरा। क्या ये भ्रांति थी तुम्हारी कि एक असुर महायोद्धा दुर्गमासुर का अंत इतना सरल होगा? अंत करो मेरा, प्रयास करो, आगे बढ़ो, किंतु मुझे ढूंढ तो लो। ढूंढो ना, ढूंढो, ढूंढो, ढूंढो ना। वास्तविक दुर्गमासुर का संधान तो कर लो, कर लो। ढूंढो, ढूंढो, दुर्गमासुर को ढूंढो। या सभी असुर अचानक दुर्गमासुर में कैसे परिवर्तित हो गए? ये कैसा भ्रम जाल उत्पन्न किया इस दुष्ट दुर्गमासुर ने? यदि मैं यहाँ हूं तो अपनी इच्छा पूर्ण करो, अंत करो मेरा, प्रयास करो, किंतु इन सहस्रों दुर्गमासुर में से मैं कौन हूं ये तो ढूंढो।
कदाचित मैं यहाँ हूँ और कदाचित मैं यहाँ नहीं भी हूँ। वास्तव में मैं यहाँ से कहीं दूर ही हूँ। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? प्रणाम देवी, क्षमा चाहता हूँ, मैंने आपको चौंका दिया। मैं दुर्गमासुर हूँ। एक असुर यहाँ ब्रह्मलोक में? नाना देवी, चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ ब्रह्मलोक में कोई उपद्रव मचाने नहीं आया। मैं तो अपने आराध्य का, अपने ब्रह्मदेव का बहुत बड़ा भक्त हूँ। उनका तप किया है मैंने और मेरे तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने मुझे वरदान भी दिया है। बहुत समय से अपने आराध्य के दर्शन के लिए मन व्याकुल था, इसलिए इसी आशय से मैं यहाँ आ रहा था। किंतु मार्ग में आपकी वीणा का दिव्य संगीत मेरे कानों में क्या पड़ा। सत्य कहूं देवी तो मेरा मन मंत्र मुग्ध हो गया। किंतु देवी, ब्रह्मदेव दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनका स्थान भी रिक्त है। यदि यहाँ नहीं है तो कहाँ है मेरे ब्रह्मदेव? स्वामी इस समय काशी में है वत्स। तब तो अभी भी उनके दर्शन का सुख प्राप्त नहीं होगा मुझे। मैं तो उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने आया था। प्रभु का आशीर्वाद तो सदैव अपने भक्तों के साथ है पुत्र। इसकी दृष्टि बार बार वेद पर क्यों टिक रही है? स्वामी शीघ्र ही लौटने वाले होंगे वत्स, तुम अभी प्रस्थान क्यों नहीं करते? कुछ समय पश्चात प्रभु से भेंट करने पुनः लौट आना। देवी, आपको भय का आभास नहीं हो रहा है? भय? मुझे? भय मुझे क्यों होगा वत्स? कि ब्रह्मदेव आपको यहाँ अकेला छोड़ काशी चले गए और अपने पीछे पवित्रता और दिव्य में श्रेष्ठ वेद को यही छोड़ गए। आपको भय नहीं होता यदि कोई यहाँ आए और वेद का हरण कर ले? रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? स्वामी के आसन की ओर क्यों बढ़ रहे हो? देवी, चिंतित ना हो। सावधान दुर्गमासुर, अपनी मर्यादा की परिधि में रहो, पीछे हटो अभी इसी क्षण। देवी, मैं ब्रह्मदेव का अनन्य भक्त हूँ, मैं तो आप पर उपकार कर रहा हूँ। इन पावन वेद को मैं अपने साथ ले जाऊंगा और स्वयं इनकी रक्षा करूंगा। तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं अभी समस्त देवताओं का आह्वान करती हूँ। किनको बुलाएंगी आप देवी? वो सभी तो अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं।
किंतु आप चिंता ना करें देवी, मैं हूं ना आपके सहयोग के लिए। ये क्या, इस मायावी ने तो अपने असंख्य प्रतिरूप उत्पन्न कर मुझे घेर लिया है। अब मैं ही वेद का स्वामी हूँ और ब्रह्मदेव कहलाने का अधिकारी भी मैं ही। नहीं, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। दुष्ट दुर्गमासुर ने वेद का हरण कर लिया। स्वामी, ब्राह्मण देवता, मेरे राज्य में ऐसा दिव्य महायज्ञ कर मुझे और मेरे राज्य को कृतार्थ करने हेतु आपका कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद तो मुझे आपको देना चाहिए महाराज देवोदास, कि आपने काशी जैसी पावन धरती पर मेरे यज्ञ करने में मेरा सहयोग दिया। आपने मुझे 10 अश्वमेध यज्ञों का पुण्य प्राप्त करने का अधिकारी बना दिया। मैं इस पवित्र स्थान को आशीष देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि आज के उपरांत इस पवित्र स्थान का नाम दशाश्वमेध होगा। दशाश्वमेध होगा। दशाश्वमेध होगा। दशाश्वमेध होगा। स्वामी, अनर्थ हो गया। स्वामी, दुष्ट दुर्गमासुर यहाँ से वेद का हरण कर उन्हें अपने साथ ले गया। स्वामी, ये तो घोर अनर्थ हो गया। देवी देवताओं और धर्म की शक्तियाँ वेद लुप्त हो गए तो यज्ञ नहीं होंगे, यज्ञ नहीं होंगे तो भविष्य नहीं होगा, भविष्य नहीं होगा तो देवताओं को भोजन प्राप्त नहीं होगा। वेद विहीन संसार में तो देवता दुर्बल हो जाएंगे। क्या हुआ इंद्रदेव, आप आहत तो नहीं हुए ना? गणेश जी, मुझे ज्ञात नहीं, अचानक से मुझे कुछ दुर्बलता का आभास हो रहा है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? ऐसे ज्ञात पड़ता है जैसे हमारी शक्ति क्षीण पड़ती जा रही है, जैसे हम अपनी शक्तियों से रिक्त होते जा रहे हैं। ये दुष्ट असुर तो स्थिर पड़े देवताओं की ओर बढ़ रहे हैं, इन्हें रोकना होगा मुझे। भैया, देवगण तो अत्यंत दुर्बल प्रतीत हो रहे हैं, वो अपनी इस अस्वस्थता की स्थिति में युद्ध करने में सक्षम नहीं। हमें देवताओं को मंदार पर्वत ले जाना होगा। Oh!
वास्तविक दुर्गमासुर कहाँ है? भैया, यहाँ जो भी हुआ वो दुर्गमासुर की योजना अनुसार ही हुआ। वो हमें यहाँ उलझा कर रखना चाहता था, इसलिए उसने इन सभी असुरों को अपना रूप दिया था, जिससे हम उसे ढूंढने और उसका वध करने हेतु इन सभी से युद्ध करते रहे। किंतु इस समूची अवधि में वो स्वयं उपस्थित नहीं था यहाँ। तुम सर्वथा उचित कह रहे हो गणेश, ये सब तो दुर्गमासुर का छल ही था। किंतु यदि वो स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित नहीं करना चाहता था तो वो यहाँ आया ही क्यों था? वो चाहता क्या था? कुछ ऐसा जो स्वर्ग से भी अधिक महत्वपूर्ण है। हाँ, स्वर्ग से भी अधिक महिमामयी है भैया। मामा जी, ये देवताओं को हुआ क्या है? अचानक ये सब इतने शक्तिविहीन क्यों हो गए? इनके शक्तिहीन होने का कारण क्या है? वेद, वेद, वेद। जब मैं काशी में अपने महायज्ञ में व्यस्त था तो सुनने वेद चुरा लिया है। देवताओं के अशक्त पड़ जाने का यही कारण है, क्योंकि धर्म और देवताओं की शक्ति के आधार तो वेद ही है। तुम उचित कह रहे हो गणेश, वास्तव में दुर्गमासुर तो स्वर्ग में कभी था ही नहीं। वो हमें युद्ध में उलझाकर स्वयं ब्रह्मलोक चला गया। हाँ भैया, बहुत धूर्त और कपटी असुर है ये दुर्गमासुर। भैया, हमें उसे शीघ्र ढूंढकर वेद को उनके उचित स्थान पर लौटाना होगा और उस दुष्ट दुर्गमासुर का अंत करना होगा। पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिकेय, दुर्गमासुर का अंत इतना सहज नहीं। सहज नहीं है उसका अंत? किंतु क्यों फूफा जी? क्योंकि दुर्गमासुर का वध नहीं हो सकता, क्योंकि उसे मेरा वरदान प्राप्त है। दुर्गमासुर मेरा परम भक्त है। उसने मेरी कठोर तपस्या कर मेरे दर्शन प्राप्त किए हैं। आंखें खोलो वत्स। प्रणाम प्रभु। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। कहो, क्या वरदान चाहते हो? ब्रह्मदेव, आप मुझे अमृत का वरदान तो नहीं देंगे? ये ज्ञात है मुझे, इसलिए आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु एक स्त्री के हाथों से ही हो, किंतु वो ऐसी स्त्री हो जिसने वर्षों तक अपनी पलके न झपकाई। जैसी तुम्हारी इच्छा वत्स, तथास्तु, तथास्तु। ब्रह्मदेव, धन्यवाद। ये कैसा वरदान मांग लिया दुर्गमासुर ने? एक ऐसी स्त्री जिसने कभी अपनी पलके तक ना झपकाई हो, किंतु ये संभव कैसे है? एक ऐसी स्त्री जो अपनी पलके ना झपकाए, ऐसी स्त्री की कल्पना और अस्तित्व तो असंभव है। ऐसी एक स्त्री है। माँ। हाँ भैया, माँ ही दुर्गमासुर का वध कर सकती है, किंतु क्या गणेश? किंतु भैया,
माँ के हाथों दुष्ट दुर्गमासुर का वध तब तक संभव नहीं जब तक माँ और पिताश्री की भेंट ना हो जाए। माँ आज भी अपलक पीड़ा युक्त पिताश्री के काशी लौटने की प्रतीक्षा में है। भैया, हमारे लिए भी ये एक कड़ी परीक्षा का समय है, क्योंकि अब हमें केवल ऋषि जैगिश्वे की मुक्ति का ही नहीं वरन माँ और पिताश्री के शीघ्र मिलन के लिए प्रयास तीव्र करना होगा। तभी माँ की पीड़ा भी दूर होगी और इस पीड़ा के अंत से ही सृष्टि पर छाई दुर्गमासुर नामक संकट का भी अंत संभव हो पाएगा। भैया, ज्ञात नहीं इस अंतराल दुष्ट दुर्गमासुर की अगली योजना क्या हो, इसलिए अब शीघ्र अति शीघ्र माँ और पिताश्री का मिलन अति आवश्यक हो गया है। भैया, वेद के ना होने के कारण ही सभी देवगण दुर्बल और क्षीण पड़ते जा रहे हैं। अब केवल माँ ही दुर्गमासुर का वध कर सकती है, किंतु क्या गणेश? किंतु भैया, माँ के हाथों दुष्ट दुर्गमासुर का वध तब तक संभव नहीं जब तक माँ और पिताश्री की भेंट ना हो जाए। माँ आज भी अपलक पीड़ा युक्त पिताश्री के काशी लौटने की प्रतीक्षा में है। भैया, हमारे लिए भी ये एक कड़ी परीक्षा का समय है, क्योंकि अब हमें केवल ऋषि जैगिश्वे की मुक्ति का ही नहीं वरन माँ और पिताश्री के शीघ्र मिलन के लिए प्रयास तीव्र करना होगा। तभी माँ की पीड़ा भी दूर होगी और इस पीड़ा के अंत से ही सृष्टि पर छाई दुर्गमासुर नामक संकट का भी अंत संभव हो पाएगा। भैया, ज्ञात नहीं इस अंतराल दुष्ट दुर्गमासुर की अगली योजना क्या हो, इसलिए अब शीघ्र अति शीघ्र माँ और पिताश्री का मिलन अति आवश्यक हो गया है। भैया, अब जो भी करना है अति शीघ्र करना होगा, अन्यथा शीघ्र ही वेदों के न रहने का सृष्टि पर दुष्प्रभाव पड़ना आरंभ हो जाएगा। वेद विहीन होकर संसार मंत्रोच्चारण भूल जाएगा, पूजा पाठ यज्ञ आदि की धार्मिक क्रियाएं थम जाएंगी, मनुष्य धर्म पथ से भटक जाएगा, निरंतर हराश होगा देवताओं की शक्ति में, दुराचार अनाचार अज्ञानता अन्य आसुरी आचरण में वृद्धि होगी, देवता बलहीन होने के कारण अच्छाई की रक्षा करने में असमर्थ होंगे, इसीलिए समस्त संसार में अधर्म रूपी बुराई का ही बोलबाला होगा और दुर्बलता के कारण सभी देवगण अपना अपना दायित्व निभाने में असमर्थ होंगे। देवराज इंद्र का वर्षा और बवंडर से नियंत्रण खो जाएगा, अग्नि वायु और जल तीनों तत्वों से अपना नियंत्रण खो देंगे, सभी देवताओं की शक्तियां निरंतर क्षीण होती जाएंगी, सृष्टि संकट में आ जाएगी। अब क्या हुआ भूपा जी? जिनकी पवित्रता अक्षुण है, संसार का समस्त ज्ञान जिनमें समाहित है, वो वेद की देवी अब एक असुर दुर्गमासुर के वश में है। ये विचार मुझे अत्यंत व्याकुल कर रहा है। दुर्गमासुर की युक्ति का तोड़ निकालना अत्यंत दुर्गम है, क्योंकि ज्ञान की सरिता और वेद की देवी पर अब मेरा अधिकार है, दुर्गमासुर का अधिकार है। अब इन्हें ऐसे स्थान पर स्थित करूंगा जहां हम असुरों के सिवाय किसी का भी पहुंचना कठिन है। इसकी तो कल्पना भी हमारे लिए अपार वेदना का कारण है, किंतु मुझे ये भी ज्ञात है
कि वेद की उत्पत्ति भी तो माँ आदि शक्ति से ही हुई है। माँ ने तो स्वयं इसकी चर्चा मुझसे की थी कि प्रत्येक दिवस के भोर में वेद माता माँ के चरणों में अपना मस्तक रख उनका अभिवादन करती है, जिसके परिणाम स्वरूप माँ के चरणों का सिंदूर उनके मस्तक पर स्थित हो जाता है। अवश्य वेद माता भी अपनी सुरक्षा के लिए माँ से गुहार कर रही होंगी। माता, इस सृष्टि की रक्षा के लिए मुझे ससुर से मुक्त कराइए माता। ये माँ के मंदिर में कैसी विशेष तैयारियां हो रही है मामा जी, क्या होने वाला है वहाँ? हाँ पुत्र गणेश, कल से नवरात्रि की तिथियां आरंभ है। देवी आदि शक्ति के मंदिर में उसी की तैयारियां चल रही हैं। कल से देवी आदि शक्ति के सभी भक्त नवरात्रों की पूजा और व्रत आरंभ करेंगे। समय का चक्र भी कितनी तीव्र गति से बढ़ता जाता है ना, मुझे तो आभास भी नहीं हुआ कि नवरात्रि का समय आ गया है। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि माँ इन पावन तिथियों की सूचना देकर हमें भी अवश्य हमारे समाधान की ओर प्रेरित कर रही हैं। तुमने उचित कहा कुमार कार्तिकेय, नवरात्रि के व्रत रखने से देवी आदि शक्ति प्रसन्न होकर अपने सभी भक्तों के कष्ट हरती हैं। और हमारे संकटों का निवारण तो माँ के द्वारा ही संभव है, इसलिए हम भी नवरात्रि के व्रत और पूजन करेंगे। वो दुष्ट दुर्गमासुर वेद माता का हरण कर पवित्र वेदों को अपने साथ ले गया है, और फूफा जी के वरदान के कारण एकमात्र माँ ही उस दुष्ट का वध करने में सक्षम है। इसलिए अब तो माँ ही हमारे संकटों से मुक्ति दिलाने का मार्ग प्रशस्त करेंगी। गणेश, तुम उचित कह रहे हो, किंतु उसके पूर्व हमें राजा दिवोदास से पार पाकर पिताश्री को काशी लौटाने का कोई उपाय तो करना होगा ना, तभी तो माँ उस दुर्गमासुर का वध करने के लिए प्रेरित होंगी। दुर्गमासुर का वध तो माँ और पिताश्री के मिलन के पश्चात ही संभव हो सकता है, किंतु माँ की कृपा से मुझे काशी नरेश को उनके राजपद से विभक्त करने का मार्ग सूझ गया है, और जिसके लिए अब हमें अविलंब काशी जाना होगा। गणेश जी, भले ही इस अवस्था में तो हम युद्ध नहीं कर पाएंगे, और संकट के समय में हमको योगदान न करें ये सर्वथा अनुचित होगा। सहायता तो आप सभी देवता करेंगे इंद्रदेव, किंतु युद्ध करके नहीं, माता के नवरात्रि का व्रत रख के। और आप सभी ये व्रत यहाँ मंदार पर्वत पर रहकर ही करेंगे। मैं और भैया काशी जाकर व्रत करेंगे, क्योंकि राजा देवोदास को बिना आहत किए एवं उन्हें कोई कष्ट पहुँचाए बिना काशी के राजपद को उनसे मुक्त करने का उपाय तो काशी जाकर ही करना होगा हमें। कितना बड़ा और दुर्भाग्यपूर्ण परिवर्तन आ गया है तुम्हारे वैभव में। वहाँ ब्रह्मलोक में सदा उजले तारों से घिरी रहती थी ब्रह्मदेव की देखरेख में, उनके निकट दिव्य कमल पर स्थित रहती थी वेद की देवी, किंतु अब तो यहाँ इस गहन अंधकार में घिरी हुई हो, जहाँ तुम्हारा ये सिंहासन एक काले और कलुषित कमल पर स्थित है। यहाँ तो मेरे लिए श्वास लेना भी कठिन हो रहा है, इस पाप में अंधकारी स्थान पर क्यों लेकर आए हो मुझे? क्योंकि आपका यही नवीन स्थान है, अब आप मेरे अधीन हैं और मैं आपका नवीन स्वामी। बड़े मूर्ख हैं ये देवता
जिन्हें मेरे वास्तविक आशय का भान भी नहीं हुआ। मेरी दृष्टि स्वर्ग के सिंहासन पर नहीं, मेरी रुरु पुत्र दुर्गमासुर की दृष्टि तो आरंभ से आप पर ही थी देवी, क्योंकि मुझे ज्ञात था यदि आप लुप्त हुई तो संसार से धर्म का भी लोप अवश्य होगा और फिर संसार में पाप और अनाचार का विस्तार होगा। देवता दुर्बल होंगे और असुरों की शक्ति बढ़ेगी। मैं रुरु पुत्र दुर्गमासुर सृष्टि पर अपना एक छत्र राज्य स्थापित करूंगा, इसलिए इस नवीन स्थिति को स्वीकार कीजिए, क्योंकि अब तो सदा आपको इसी एकांत में ही रहना होगा देवी। शक्ति रक्षा कीजिए, माता रक्षा कीजिए। प्रणाम माता। माँ, आपकी अनुमति के बिना तो कुछ भी नहीं होता। ये सभी जो यहाँ घटित हो रहा है, इसमें अवश्य आपकी ही लीला छिपी है। माँ, पिताश्री ने काशी का परित्याग किया, उनका अनुसरण करते हुए समस्त देवता भी काशी से प्रस्थान कर गए, किंतु आपके और पिताश्री का वियोग काशी की शोभा और दिव्यता में वृद्धि का कारण बना माँ, क्योंकि अब फूफा जी ब्रह्मदेव, सूर्यदेव और 64 योगिनी माताओं के धाम भी यहाँ स्थापित हो गए हैं, किंतु अब पिताश्री को काशी लौटाने को सुगम बनाने का समय आ गया है माँ, और दुष्ट दुर्गमासुर वेद माता का हरण कर ले गया है। उस दुष्ट दुर्गमासुर का वध कर उससे मुक्त कराने का सामर्थ्य तो एकमात्र आप में ही है माँ, किंतु जब तक पिताश्री नहीं लौटेंगे आप अपने स्थान से तनिक भी नहीं हटेंगी, इसलिए आप उस दुर्गमासुर का वध कैसे करेंगी माँ? और राजा देवोदास के रहते पिताश्री काशी में कदापि प्रवेश नहीं करेंगे, इसलिए अब हमारे समक्ष एक बहुत बड़ी विडम्बना उपस्थित हो गई है माँ। माँ, इस दुविधा का समाधान मेरे पास नहीं, एकमात्र आपके पास है। मेरे पास कुछ है तो वो है मेरी भक्ति। भैया, मैं और समस्त देवता अपनी भक्ति से ही प्रयास करेंगे माँ। हम सभी नवरात्रि के व्रत और पूजन करेंगे, और मुझे विश्वास है कि हमारी भक्ति के परिणाम स्वरूप आप हमारा मार्गदर्शन अवश्य करेंगी माँ, हमें उचित समाधान सुझाएंगी आप। इसलिए हमें आशीर्वाद दीजिए माता कि हम ये पूजा और व्रत समर्पण और भक्ति भाव से संपन्न कर सके। हमें आशीर्वाद दीजिए माता। पुत्र गणेश, मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है, और मुझे ज्ञात है कि अपनी भक्ति और युक्ति से तुम कोई ना कोई मार्ग अवश्य ढूंढ लोगे। प्रणाम माता। गणेश, क्या तुम इसीलिए काशी आना चाहते थे कि हम अपना व्रत और पूजन यहाँ माँ गंगा के पावन घाट पर कर सकें? नहीं भैया। तो फिर यहाँ काशी आने की क्या आवश्यकता थी? हम अपना पूजन वहाँ देवताओं के साथ मंदार पर्वत पर भी तो कर सकते थे। भैया, संसार के प्रत्येक प्राणी का कार्य समय निर्धारित है, और यही व्यवस्था मनुष्यों में भी है। भले ही राजा देवोदास काशी के एक धर्मनिष्ठ और कर्तव्य परायण राजा रहे हो, किंतु अब उनके भी संसार से मोह माया के त्याग करने का समय आ गया है, और अब उनके जीवन का जो पड़ाव निर्धारित है वो है वानप्रस्थ आश्रम। यही सत्य है उनके जीवन का, और यही बात राजा देवोदास को समझाना अति आवश्यक है, जिसके लिए हमारा काशी आगमन हुआ भैया। इसलिए हमारी पूजा का उचित स्थान है राजा देवोदास का राजभवन। काशी नरेश राजा देवोदास के राजभवन में?
किंतु कैसे गणेश? भैया, हमें किसी प्रकार राजा दिवोदास को नवरात्रि के व्रत और पूजन के लिए सहमत करना होगा, क्योंकि माँ की भक्ति में लीन होकर ही तो उन्हें भान होगा कि माँ और पिताश्री एक दूसरे के पूरक हैं। उन्हें एक दूसरे से दूर करने का अर्थ है उन्हें पीड़ा पहुँचाना और सृष्टि में असंतुलन उत्पन्न करना। उचित है गणेश, किंतु गणेश, हम राजा दिवोदास के भवन में जाकर उनसे व्रत और पूजन करने के लिए तो नहीं कह सकते ना? हाँ भैया, यही मैं भी सोच रहा हूँ कि राजा दिवोदास के राजभवन में प्रवेश करने का क्या उपाय है। कृपया इसे स्वीकार कीजिए ऋषिवर, आप भी लीजिए। गणेश, वो स्त्री जो वहां दरिद्र ब्राह्मणों को फल और वस्त्र दान कर रही है, वो तो काशी की महारानी प्रतीत हो रही है। आपने उचित समझा कुमार कार्तिकेय, वो स्त्री महारानी सरला ही है, राजा देवोदास की पत्नी। अपने पति के समान वो भी बहुत नेक और धार्मिक स्त्री है, इसलिए यदि आप दोनों राजभवन में प्रवेश करने के इच्छुक हैं, तो महारानी सरला के माध्यम से ये अवश्य संभव है। हमें हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आपको कोटि-कोटि धन्यवाद माता। मैं आप दोनों की जो भी सहायता कर सकती हूँ वो अवश्य करूँगी। बस आप दोनों किसी भी प्रकार महादेव को काशी लौटाने का मार्ग ढूंढिए। महादेव की अनुपस्थिति में काशी अपूर्ण है और हम सभी नहीं, माँ आदिशक्ति भी अत्यंत व्यथित है। हमें सफलता का आशीर्वाद दीजिए माता। कल्याण हो। भैया, मुझे एक युक्ति सूझी है। गणेश, ये क्या कर रहे हो तुम? माँ के निर्देश का पालन भैया, बुद्धि और युक्ति का प्रयोग कर रहा हूँ मैं। चलिए, अब आप भी मेरे समान वस्त्र धारण कीजिए। गणेश, वेशभूषा तो हमने धारण कर ली, किंतु आप राजा दिवोदास के भवन में प्रवेश कैसे करेंगे? मेरे पास उसके लिए एक योजना है भैया, बस आपको उसका अनुसरण करना होगा। तुमने तो मात्र भिन्न वस्त्र धारण किए, भिन्न भेष कहाँ धारण किया है? हो तो तुम अब भी गणेश ही ना? भैया, आप प्रश्न बहुत करते हैं। आपको तो मैं अपने स्वाभाविक रूप में ही दिखाई दूंगा, किंतु अन्य सभी को मैं गणेश नहीं, एक साधारण ब्राह्मण बालक ही प्रतीत होऊंगा। आइए, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। कल्याण हो माता। प्रणाम ब्राह्मण देवता। कल्याण हो माता। मुझे क्षमा करे ब्राह्मण देवता, अब आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी शेष नहीं। माता, हम आपसे यहाँ पर दक्षिणा प्राप्त करने नहीं आए हैं, हम तो बस यहाँ से निकल रहे थे तो हमारी दृष्टि आप पर पड़ी और हमारे मुख से स्वतः आशीर्वचन निकल पड़े। आप तो अति भाग्यशाली है माता, आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई है। मनोकामना? कौन सी मनोकामना प्रभु? बाल्यावस्था में नाग कन्या ने
ब्रह्मदेव की प्रार्थना की। प्रभु ब्रह्मदेव, मेरे पिता श्री नागराज वासुकी जी मेरा विवाह किसी योग्य नागपुरुष से करवाने के इच्छुक हैं, किंतु मेरी इच्छा है कि जब मैं उचित आयु में पहुंचूं, तो मैं किसी ऐसे पुरुष, किसी ऐसे मनुष्य के साथ विवाह करूं, जो धर्मनिष्ठ हो और आपका परम भक्त हो। यदि आपके प्रति मेरी भक्ति सत्य है, तो मुझे वरदान दीजिए कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो। ब्रह्मदेव ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और आपको वरदान दे दिया। तथास्तु। समय आने पर ब्रह्मदेव के दिए वरदान के अनुसार आपका विवाह राजा देवोदास जी से हो गया। आप तो अद्भुत हैं, ज्योतिष शास्त्र में निपुण हैं। जो घटना बचपन में घटित हुई, जिसे मैंने आज तक किसी से साझा नहीं किया, उसे आपने कितनी सरलता से ज्ञात कर लिया। जो सबसे अज्ञात है उसे भी ज्ञात कर लेते हैं मेरे अनुज भ्राता। ज्योतिष ज्ञान के प्रकांड विद्वान जो है। आप जैसे विद्वान के काशी आगमन से काशी धन्य हुई, किंतु आपका उचित सम्मान तो मैं राजभवन में ही कर सकती हूँ। आप हमारे साथ चले विप्रवर, मेरे पति देव को भी विद्वानों का स्वागत करने में बहुत आनंद का अनुभव होता है। कृपा कर हमें भी अपनी सेवा का अवसर दीजिए। अवश्य महारानी, हम आपका आतिथ्य स्वीकार करते हैं। अब मैं राजा देवोदास के समक्ष जो कुछ भी कहने वाला हूँ, वो राजा देवोदास के मन को परिवर्तित कर देगा, और यही परिवर्तन माता और पिता श्री के भेंट का कारण बनकर दुर्गमासुर के अंत का कारण बनेगा। यदि कुछ बता सकते हैं तो भविष्य के विषय में बताइए। आपके जीवन में बहुत अल्प समय शेष है महाराज देवोदास। मात्र 10 दिवस की अवधि के पश्चात काल आपकी आत्मा को आपकी देह से विलग कर अपने साथ ले जाएगा। राजा देवोदास, आप स्वयं को प्रभावित होने से नहीं रोक पाएंगे। आपने पिताश्री को काशी से दूर कर माँ को कितनी पीड़ा पहुँचाई है, इस भूल का आभास आपको अब होगा जब मैं आपको माँ के 9 रूपों की संपूर्ण कथा सुनाऊंगा। सत्य, गणेश ने उचित युक्ति का प्रयोग कर अपना और कुमार कार्तिकेय का राजा देवोदास के भवन में प्रवेश सुनिश्चित कर लिया है। हाँ नारायण, गणेश तो स्वयं परम ब्रह्म है। उन्हें ज्ञात है कि देवी सरला ही नागराज वासुकी की पुत्री ही है। नारायण, गणेश जी और कुमार कार्तिकेय राजा देवोदास के भवन में पहुंच तो गए, किंतु वो नवरात्रि के व्रत के लिए उन्हें सहमत कैसे कर पाएंगे। उन्हें जो कुछ भी करना होगा शीघ्र करना होगा, क्योंकि अब एक एक पल भयंकर संकट प्रस्तुत कर सकता है। वेद में ही ज्ञान का संचय है, और जब संसार से ज्ञान ही लुप्त हो जाए तो अज्ञानता का प्रसार होता है, और ऐसी अवस्था में पृथ्वीवासी 6 पाप लोभ मोह माया काम क्रोध और अहंकार के वश में आ जाते हैं। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष शांति। ओम देव शांति रद्रिक्षम शांति। वनस्पतयः शांति 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 वन। ये क्या, जिस श्लोक को मैं वर्षों से उच्चारित करता हूँ वो मेरे स्मरण से अकस्मात लुप्त कैसे हो गया। अब तो यही आशा है कि गणेश को युक्ति लगाकर राजा देवोदास को व्रत के लिए मना ले, क्योंकि नवरात्रि की तिथियां तो कल से ही आरंभ है, अर्थात गणेश के पास केवल आज रात्रि का ही समय शेष है, क्योंकि व्रत और पूजन उचित समय पर उचित विधि विधान से ही होना चाहिए, अन्यथा उसका कोई सुफल प्राप्त नहीं होगा।
जिनका व्यक्तित्व ऐसी अद्भुत दिव्यता से परिपूर्ण हो, ऐसे ब्राह्मण बालकों के दर्शन करने का सौभाग्य तो मुझे पूर्व में कभी प्राप्त नहीं हुआ। स्वामी, मेरे इन दोनों विलक्षण ब्राह्मण बालकों से संयोगवश माँ गंगा घाट पर भेंट हुई। दोनों अत्यंत ही विद्वान हैं और आज ही यात्रा करते करते काशी में प्रवेश किया है इन्होंने। विप्रगण, हमें अपना परिचय देने की कृपा करें। प्रणाम महाराज दिवोदास, मेरा नाम गुणेश है और मैं इनका अग्रज कृतेश। आपका हमारी काशी नगरी में और मेरे राजभवन में स्वागत है। वैसे विद्वान के दर्शन को ही श्रेष्ठ माना गया है, किंतु यदि आप मुझे ज्ञान रस के पान की अनुमति दें तो मेरा परम सौभाग्य होगा। ब्राह्मण देवता, मेरे स्वामी को भी उनके कुछ अतीत के बारे में बताइए ना। अवश्य माता। क्षमा कीजिएगा, जो घटना घटित हो चुकी है उसकी चर्चा तो अनेक ज्योतिषी कर लेते हैं, उसका उल्लेख करने से क्या लाभ। यदि कुछ बता सकते हैं तो भविष्य के विषय में बताइए कि मेरे भविष्य में क्या घटित होगा। महाराज दिवोदास, मैं तो आपको आपके भविष्य से परिचित करवा सकता हूँ, किंतु क्या आप में इतना सामर्थ्य है कि आप मेरे वचन सुन सकेंगे? क्योंकि बहुत संभव है कि आपको मेरी भविष्यवाणी अप्रिय प्रतीत हो, आपका मन उससे आहत हो जाए, क्योंकि कुछ सत्य सत्य होते हुए भी प्रियकर नहीं होते। ब्राह्मण देवता, मैं सदैव धर्म का पालन करता हूँ और जो धर्मनिष्ठ होते हैं उनकी तो सत्य में भी अपार निष्ठा होती है, इसलिए जो कहना चाहते हैं निसंकोच कहें। एक बार पुनः विचार कर लीजिए महाराज। मैं आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूँ, आप जो कहना चाहते हैं निसंकोच होकर कहें। तो सुनिए महाराज, सत्य तो ये है कि संसार में जिसका भी आगमन होता है उसे विदा भी लेनी होती है, यही सृष्टि का नियम है। हमें बचपन में जिससे लगाव होता है, जिन्हें हम अपने संबंधी मानते हैं, वो भी एक दिवस पराए हो जाते हैं। आप क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं ब्राह्मण देवता? यही कि आपके जीवन में बहुत अल्प समय शेष है महाराज देवोदास, मात्र 10 दिवस की अवधि के पश्चात काल आपकी आत्मा को आपकी देह से विलग कर अपने साथ ले जाएगा। ये प्रथम पूज्य गणेश जी ने ये कैसी घोषणा कर दी? राजा, देवदास तो धर्मनिष्ठ है, परोपकारी है, नेक है, तो उनको समझाने के स्थान पर उनकी मृत्यु की घोषणा। प्रथम पूज्य गणेश जी कुछ भी अनुचित नहीं कर सकते, किंतु एक धर्मनिष्ठ राजा के लिए उन्होंने ऐसे अहित का शब्द कैसे कह दिया? गणेश ने केवल वही कहा जो महागणाधिपति की इच्छा थी। उन्हीं की इच्छा शब्द बनकर गणेश के मुख से प्रकट हुई है।
श्री महागणाधिपति की इच्छा तो अटल विधान है, जिसे कोई टाल नहीं सकता। इसका अर्थ है ब्रह्मदेव, गणेश जी के शब्द सत्य होकर ही रहेंगे। किंतु ऐसा क्यों? अग्निदेव, गणेश कभी किसी का अहित या मृत्यु की कामना नहीं कर सकता। वो तो भगवान के भक्तों, निर्दोष और धर्मनिष्ठ लोगों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहता है। राजा देवोदास को लेकर गणेश की घोषणा के पीछे अवश्य उसी की कोई लीला छुपी होगी। जिस लीला का रहस्य तो तभी उजागर होगा जब वो हम सभी के समक्ष प्रकट होकर अपना परिचय देगी। ब्राह्मण देवता है आप, आपके मुख से ऐसे अशुभ शब्द कैसे प्रवाहित हो सकते हैं? मैंने आपको अतिथि रूप में स्वीकार कर अपने निवास में आमंत्रित किया। मेरे स्वामी और मैंने आपका आदर और सत्कार किया और आप मेरे ही स्वभाव के उजड़ने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। माता, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने जो भी कहा वो किसी दुर्भावना के कारण नहीं कहा। मैं तो मात्र ज्योतिष विद्या का ज्ञानी एक ब्राह्मण हूँ और मेरी विद्या ने मुझे यही कहने के लिए प्रेरित किया। किंतु ये भी तो संभव है कि आपकी विद्या उचित आकलन ना कर सकी हो, आपसे ही कोई चूक हुई हो। नहीं माता, गणेश की गणना में कभी कोई चूक नहीं होती, इसीलिए उसने आपको पूर्व में ही सचेत किया था कि जो वो कहने जा रहे हैं कदाचित उसका श्रवण आपके लिए असहनीय हो। किंतु माता, आप इतनी व्याकुल क्यों हो रही हैं? मृत्यु तो संसार का अंतिम सत्य है। अवधि 10 दिवस की हो अथवा 1 वर्ष की, प्रत्येक जीव के जीवन काल का अंत तो एक ना एक दिवस तो होना ही है। और मृत्यु, माता, मृत्यु तो मात्र इस नश्वर शरीर की ही होती है। आत्मा तो अजर अमर है, जो संसार में कर्म करने आती है और आयु पूर्ण होते ही वो इस नश्वर शरीर का परित्याग करने पर विवश हो जाती है और अपने जीवन में जिन भी कर्मों का संचय वो आत्मा करती है वही उसके साथ जाते हैं। किंतु बस सरला, ब्राह्मण देव, मैं आपकी भविष्यवाणी सादर नकारता हूं। मेरा जीवन अब मात्र 10 दिवसों के लिए ही शेष है, मुझे आपकी ये भविष्यवाणी स्वीकार नहीं, और मैं अपने कथन को प्रमाणित करने हेतु आप दोनों को 10 दिवस के लिए अपने राजभवन में मेरा आतिथ्य स्वीकार करने का निमंत्रण देता हूं। मुझे क्षमा करें राजन, किंतु हम आपका निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकते। ये गणेश जी क्या कर रहे हैं? वो राजा देवोदास के निमंत्रण को अस्वीकार क्यों कर रहे हैं? यही तो गणेश जी और कुमार कार्तिकेय का आशय था कि वो राजा देवोदास के राजभवन में जाएं और उन्हें समझाएं, वहां स्थित हो जाएं। किंतु वो ना क्यों कर रहे हैं? किंतु आप मेरा निमंत्रण क्यों नहीं स्वीकार कर सकते? क्या आपको इस बात का संशय है कि मेरा ही कथन सत्य प्रमाणित होगा?
और आपको आपकी गणना में चूक होने के कारण काशी में लज्जित होने के लिए विवश होना होगा। नहीं राजा, उसकी तो तनिक भी चिंता नहीं है। वास्तव में कल से नवरात्रि की तिथियां आरंभ हो रही हैं। मैं और मेरा अनुज गणेश नवरात्रि की इन तिथियों में नौ दिवसों का व्रत और पूजन करते हैं। उसमें तो आपको कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि मैं और देवी सरला आपके व्रत और पूजन की समुचित व्यवस्था कराएंगे। क्या आपको हमारा आतिथ्य स्वीकार होगा? नहीं राजन, हमें तब भी आपका निमंत्रण अस्वीकार ही करना होगा। हम यहाँ पर व्रत और पूजन नहीं कर सकते। किंतु क्यों नहीं ब्राह्मण देवता, आप यहाँ पूजन क्यों नहीं करेंगे? माता, नवरात्रि के व्रत और पूजन तभी सफल होते हैं जब जहाँ उनका आयोजन होता है और वहाँ पर निवास करने वाले सभी सदस्य उसका पालन करते हैं। मैं और भैया यहाँ तभी रह सकते हैं जब आप और माता भी इस व्रत और पूजन में सम्मिलित हों। किंतु मैं और गणेश आपको ये व्रत रखने के लिए विवश तो नहीं कर सकते। इसीलिए इस अवधि में हम यहाँ नहीं रुक सकते। अब हमें आज्ञा दीजिए। रुकिए ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण देवता। अतिथियों की इच्छा हमें शिरोधार्य है। इसलिए मैं और मेरी पत्नी सरला भी आपके साथ नवरात्रि व्रत और पूजन पूर्ण विधि विधान से करेंगे। ये तो अति उत्तम होगा। इस प्रकार तो ये नौ दिवस बड़ी सहजता से व्यतीत होंगे। और इसके उपरांत आपके भविष्यवाणी की भी परख हो जाएगी। तो उचित है महाराज, कल से व्रत और पूजन के साथ हम आपको माँ के नौ रूपों की कथा भी सुनाएंगे। किंतु ब्राह्मण देवता, हमें व्रत रखने के लिए नौ रूपों की कथा सुनने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि जैसे जैसे आप प्रत्येक कथा सुनेंगे तो आपको स्वयं अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे और आपको ये भी ज्ञात हो जाएगा कि क्यों शेष है 10 दिवस आपका जीवन। क्या आप अपने जीवन के इस सत्य को स्वीकार कर सकेंगे? उचित है ब्राह्मण देवता, हमें आपकी भविष्यवाणी पर विश्वास हो अथवा नहीं, हम आपकी दिव्यता का मान अवश्य रखेंगे और आपकी आज्ञा अनुसार हम इस पूजन की समस्त व्यवस्था करेंगे और आपके आदेशों का पालन करेंगे। माता, महाराज, देवी की स्थापना कल प्रातः होगी। अब हमारी आपसे भेंट कल भोर में ही होगी।